सो हे गाइस, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो आज हम एक स्मार्ट वॉच के हॉनेस रिव्यू करने वाले और इसी के साथ अनबॉक्सिंग करने वाले। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। और एक बात मैं कहना चाहूँगा वीडियो शुरू करने के पहले, जो भी मेरे चैनल पे नए व्यूवर्स है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, ताकि मैं और मोटिवेट होता रहूँ और आपके लिए और अच्छे अच्छे नए वीडियोज़ लेकर आया करूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बॉक्स ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के पहले मैं आपको इस बॉक्स के बारे में बता दूं, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे स्मार्ट वॉच लिखा है और यहाँ पे सब चिंगपांगपो लैंग्वेज में लिखा हुआ है। चाइनीज चिंगपांग डिंग डोंग हिस डोंग को आई। तो यहाँ पे हम इसे ओपन करते हैं, यहाँ पे वियर फिट का एक लोगो मिल जाता है और इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक किट दिया हुआ है जो कि हम कभी रीड नहीं करते, तो इसे साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सिलिकॉन बेल्ट, एक स्ट्रैप मिल जाता है और इसी के साथ एक वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है। और यहाँ पे हम वॉच चेक करते, तो वॉच काफ़ी लाइट वेट है और स्टेनलेस स्टील का ये आप देख सकते हो, काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है। तो चलिए हम इसे स्विच ऑन करके आप चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्राउन बटन होल्ड करके स्विच ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे स्विच ऑन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं 1.99 इंच की स्क्रीन दिया हुआ है, एच टू एच डिस्प्ले। और यहाँ पे अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो कर्व डिस्प्ले दिया हुआ है। तो अगर हम स्क्रीन रेजुलेशन की बात करें तो 420x480 का आपको इसकी रेजुलेशन देखने मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो इसका फेस वॉच भी ओरिजिनल दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हमें फेस वॉच चेंज करना है तो यहाँ से हम फेस वॉच चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो फेस वॉच है, ये एनिमेशन फेस वॉच आपको मिल जाएगा। आपको कुछ और चाहिए तो यहाँ पे आप ये फेस वॉच रख सकते हो। तो यहाँ पे आपको तरह तरह के फेस वॉच देखने मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हो। मजा नहीं आ रहा है, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो 128 MB रैम आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कितना मतलब स्मूथ इसके ये टच हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको ये चेंज करना है तो आप यहाँ पे डबल टैप करते तो क्राउन को, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाता है। फिर से डबल टैप करते तो ये चेंज हो जाता है। फिर से आप बैक आने के लिए नीचे वाला बटन दबा सकते हो, डबल टैप करते ही ये चेंज हो जाता है। यहाँ पे डबल टैप करते ही ये जैसा ही आईफोन का है वैसा ही ये वर्क करता है, आप देख सकते हो। अच्छा, अगर हम इसके फंक्शंस देखते हैं तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको बहुत सारे फंक्शन मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे BPM दिया हुआ है। जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ तो यहाँ पे इसका सेंसर वर्क करने लग जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो म्यूज़िक प्लेयर दिया हुआ है, ब्राइटनेस दिया हुआ है, यहाँ पे सेटिंग मिल जाता है। तो यहाँ पे अलार्म है, बहुत सारे आपको यहाँ पे फंक्शन देखने मिल जाएगी। और अगर हम इसकी बैटरी बैकअप की बात करें तो अप टू 1 to 2 days का बैटरी बैकअप दिया हुआ है। बट मैं अगर जेन्युइन रिव्यू दूँ तो मैंने इसे यूज़ कर चुका हूँ, मैं इसे 100% पे यूज़ करके देख चुका हूँ, तो ये 5 to 6 days मुझे इजीली यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आप नीचे स्लाइड करते हो, ब्लूटूथ, आपको लोकेशन, यहाँ पे सेटिंग, और यहाँ पे एक ये शॉर्ट वीडियो रिमोट कंट्रोल जो कि आप यहाँ से लाइक कर सकते हो, नेक्स्ट और प्रीवियस ये, और वॉल्यूम वगैरह कर सकते हो। तो ये काफ़ी फीचर्स मुझे काफ़ी कूल लगा। तो यहाँ पे और भी आप देख सकते हो, सेम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का दिया हुआ है, ब्राइटनेस का दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं ब्राइटनेस का आपको बता दूँ तो ये बस 40% पे इतनी ब्राइटनेस है। अगर मैं इसे फुल करता हूँ तो आप देख सकते हो काफ़ी कलर काफ़ी ब्राइट है इसका। तो यहाँ पे मैं 40 रख देता हूँ और यहाँ पे बैक कर देता हूँ। तो यहाँ पे सेटिंग का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा।
यहाँ पे सेटिंग में आप अगर जाते हो तो पासवर्ड ये सब आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करना ताकि और भी मैं ऐसे वीडियोस लेकर आ सकूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।